तो ये वीडियो रे हमें प्रॉब्लम करमा और सेटा लेंस मेकर फार्मूला ऊपर बेस कर के हमें प्रॉब्लम करमा। तो प्रॉब्लम रे अच्छे द फोकल लेंथ ऑफ ए बाय कन्वेक्स ग्लास दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे छे म्यू इज 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे छे एयर मीडियम रे। फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन वाटर मीडियम जन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे छे वाटर मीडियम रो और कार्बन डाइसल्फाइड दे छे दुईटा मटेरियल मीडियम दुईटा मीडियम दे छे गुटे मटेरियल मीडियम अछे हला आ से फोकल लेंथ दे छे एयर मीडियम रे। तो ठीक अछे हमें पहला लेंस मेकर फार्मूला लिखमा 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 1 इनटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। ओके इटा हेला लेंस मेकर फार्मूला वेयर म्यू 2 टा होजे काना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बले मटेरियल इने काना अछि ग्लास अछि काना अछि ग्लास अछि। तो म्यू 2 जगह हमें काना यूज करमा म्यू जी यूज करमा ठीक अछि आउ म्यू 1 काने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो मीडियम इने तीन प्रकार मीडियम अछि गुटे म्यू ए अछि एयर मीडियम गुटे अछि म्यू तुमर वाटर मीडियम आ गुटे म्यू सीएस कार्बन डाइसल्फाइड। ओके तो ठीक अछि पहला केस रे हमें चिंता करमा पहला केस रे। ओके तो पहला केस टा काने ना एयर मीडियम रु आसु छे के तुमर ग्लास मीडियम के। तो आमे केस 1 डिस्कशन करमा केस 1 जेंटा के एयर मीडियम नमा। तो तुमर म्यू ए हला तुमर म्यू ए होचे म्यू 1 होचे म्यू ए आ म्यू 2 होचे तुमर काना म्यू जी इटा तो फिक्स है इटा होचे मटेरियल मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फार्मूला यूज करमा 1/f इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए बाय म्यू ए आउ एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कते 1 इनटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। तो ई जगह रे हमके देखवार पड़बा आर 1 आ आर 2 दुटा रेडियस ऑफ कर्वेचर हन जदी आर 1 टा जदी हम पॉजिटिव नना बोले आर 2 टा काना नमा नेगेटिव नमा काना नमा नेगेटिव नमा आ आर 1 इज इक्वल टू आर 2 इज इक्वल टू हम कान लखमा आर लखमा कान जी को कान जी की बाय कन्वेक्स काय कोइ छ क्वेश्चन रे बाय कन्वेक्स कोई छे तो दुई आड़े सेम रहबा ठीक अछि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी हम आके बढ़मा फिर तो एयर मीडियम लगे इटा फोकल लेंथ इन एयर मीडियम केते दे छे 1 बाय क्वेश्चन रे केते दे छे 20 दे छे 1 बाय केते दे छे 20 तो 1 बाय 20 लिख देली इज इक्वल टू म्यू जी केते अछि 1.5 म्यू ए एयर मीडियम ले केते 1 तो ले गेलो 1 1 बाय आर माइनस माइनस ऑफ 1 बाय आर लिख देना ठीक अछि। तापर फिर आके बढ़मा और 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 हेला 0.5 0.5 के हम लिख पर 5/10 आई आर 1/r प्लस माइनस माइनस प्लस हेला 2/r 2/r। तो केते हे गेला r के नै जमा से आड़े r के नै गेले से आड़े 20 ऊपर आड़े आसवा तो 2 0 0 काट देली 2 ऊपर आड़े जीवा तो 5 * 4 केते गेला 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर केते गेला 20 cm। तापर एखना में सेकंड केस चिंता करमा तो केस 2 तो केस 2 टा काना छे ना केस 2 टा छे वाटर मीडियम। तो हमर म्यू 2 हे गेला हमर ग्लास जेंटा के छे 1.5 आउ म्यू 1 जेंटा के हमर वाटर मीडियम मीडियम हो छे कंटा वाटर मीडियम। तो तार वैल्यू केते दे छे ना 1.35 दे छे। तो फिर एखन आरंभ करमा हमर फार्मूला 1/f इन वाटर मीडियम इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू बाय कते लिखवा म्यू डब्ल्यू 1 बाय अच्छा 1 बाय आर माइनस माइनस 1 बाय आर एटा डायरेक्ट 2 बाय आर लिखमा उतरे ते ठीक अछे। तो 1 बाय एफ वाटर मीडियम इज इक्वल टू म्यू जी कते हला म्यू जी हला 1.5 वाटर मीडियम कते 1.35 बाय कते लिखमा 1.35 इनटू 2 बाय आर तो आर रो वैल्यू कते 20 2/20 लिख देना 1.5 माइनस 1.35 कते 0.15 0.15 डिवाइडेड बाय 1.35 इनटू 1/10 तो इटा हेला 1/9 इनटू 1/10 तो कते हेला 1/9 इनटू 10 कते 90 तो एफ इन वाटर मीडियम कते हेला 90 cm आंसर बाहर गेला गुटे हला। आ गुटे अछे आ गुटे काना अछे ना केस 3 अछे केस 3 काना कोई छे केस 3 ना कार्बन डाइसल्फाइड कोई छे। तो म्यू 2 हमर मटेरियल मीडियम की अछे ग्लास 1.5
आउ तुम्हार मीडियम मीडियम किए अच्छे मी वन रे एखन अच्छे म्यू कार्बन डाइसल्फाइड अच्छे केते अच्छे 1.65 अच्छे ओके तो आमे लिखमा 1 बाय एफ सी एस इज इक्वल टू केते लिखमा को ना म्यू जी माइनस म्यू सी एस बाय केते लिखमा म्यू सी एस इनटू डायरेक्ट लिखु छे 2 बाय आर ओके तो म्यू जी केते अच्छे म्यू जी अच्छे 1.5 माइनस 1.65 बाय अच्छे 1.65 इनटू 2 बाय 20 तो इटा केते हे जबा ना माइनस 0.15 डिवाइडेड बाय 1.65 इनटू 1 बाय 10 और 1 बाय एफ सी एस इज इक्वल टू हे जबा माइनस 1 बाय 11 हे जबा इनटू 1 बाय 10 हे जबा तो आंसर हे गेला माइनस 1 बाय 110 तो एफ सी एस हे गेला केते माइनस 110 cm तो इटा थिला आंसर ओके क्लियर बुझेला तो हमको जानबार अच्छे फिक्स कर दवार अच्छे हमर मन भितरे जे म्यू 2 टा होछे मटेरियल मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटा होछे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझेला मटेरियल मीडियम बले ग्लास मीडियम ही देथवा तो म्यू 2 जगह रे म्यू जी ही लिखमा अलग किछ नै लिख बुझि पर से यदि कहिथवा जे कन्वेक्स यदि से ले सेटा यदि अलग के मीडियम रे बन छै मटेरियल रे बले हमें से तर के बसमा ठीक अच्छे ना क्लास रही बसमा ठीक अच्छे तो आउ गोटे नंबर अच्छे तुम मन कर लगे आउ गोटे नंबर कौन अच्छे ना फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इन एयर मीडियम देख 10 सेंटीमीटर फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन वाटर मीडियम मांगी छे हमको आउ ग्लास मीडियम रे बनी छे बोले सेटा आमे जानमा सर ग्लास मीडियम रे ही बनी छे बोले तो अगेन आमे फार्मूला यूज करमा ओके 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 1 होल इनटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 ओके तो कन्वेक्स लेंस देछ तो 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 लिखि दो सेने छना बाय कन्वेक्स लेंस थिला बोले हमें आर 1 आर 2 के सेम कर देना आर लिखि देना इने किंतु खाली कन्वेक्स लेंस देछ तो आर 1 आर 2 के हमें सेम करी नि पारो ठीक अछे तो ठीक अछे पहला एयर मीडियम लागि लिखमा केस 1 पहला केन मीडियम लागि एयर मीडियम लागि लिखमा तो 1 बाय एफ केन लिखमा एयर मीडियम तो म्यू 2 कते लिखबी म्यू जी माइनस म्यू 1 कते लिखबी म्यू ए बाय कते लिखमा म्यू ए 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 तो म्यू एर वैल्यू कते जान छ 1 जान छ तो 1 बाय एफ एयर मीडियम हे गेला म्यू जी रो वैल्यू कते दै छ ना 3 बाय 2 माइनस 1 बाय म्यू हेला 1 तो 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 हेला इक्वेशन नंबर 1 ठीक अछे अच्छा इतर वैल्यू 10 दै छ ना फिर पक्का पुट करमा तापर केस 2 केस 2 अछे केस 2 रे कण कछ ना 1 बाय एफ वाटर मीडियम इज इक्वल टू म्यू जी माइनस कते लिखमा म्यू डब्ल्यू बाय कते लिखमा म्यू डब्ल्यू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 हेले अच्छा वैल्यू पुट करमा 1 बाय एफ वाटर मीडियम इज इक्वल टू म्यू जी कते अछे 3 बाय 2 म्यू डब्ल्यू कते अछे ना 4 बाय 3 बाय म्यू डब्ल्यू कते अछे 4 बाय 3 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करमा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करले हमर पाखे रहबा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ओके जस्ट 2 मिनिट रे इक्वेशन सरी जबा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट ओके तो का लिखमा 1 बाय एफ एयर आ ऊपर लिखमा 1 बाय एफ वाटर मीडियम डिवाइडेड 1 हला बुझि पाछ ना नै रे तापरे आमे इठने काना करमा 3 बाय 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 दै छै नि का बले 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 1 अछि किछि नि न तापरे टेक लिखमा 3 बाय 2 माइनस 4 बाय 3 होल इनटू 4 बाय 3 टकन जे उल्टी जबा केते जबा 4 बाय 3 ऊपर के पले आसबा ठीक अछि 4 बाय 3 ऊपर के पले आसबा आउ 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 दोही थरो अछि त इटा कैंसिल हे जबा तो कैंसिल हे गेले एफ वाटर मीडियम बाय केते रहला एफ एयर मीडियम इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइनस 1 केते लिखमा 3 माइनस 2 बोले 1 बाय 2 लिखमा 1 बाय 2 इनटू लिखमा 4 बाय 3 आउ इन एलसीएम जबा केते 6 जबा एलसीएम इन हे गेला 3 3 इनटू 3 9 माइनस 2 12 4 8 तो कते गेला 4 बाय 6 इनटू 6 बाय 1 तो इटा गेला 4 तो एफ वाटर मीडियम
एफ वाटर मीडियम के तेवा को 4 इनटू एफ एयर मीडियम ओके कैलकुलेशन टी भल करी करबो ठीक है मैं डायरेक्ट कर दे छै कैलकुलेशन कंफ्यूज नहीं होबो इक्वेशन 1 के इक्वेशन 2 से डिवाइड करबो छै ठीक है तो एफ वाटर मीडियम के तेला 4 इनटू आ फोकल लेंथ एयर मीडियम रे केते दे छै फोकल लेंथ एयर मीडियम रे केते दे छै फोकल लेंथ एयर मीडियम रे केते दे छै 10 सेंटीमीटर दे छै तो हम लिख देबा 10 सेंटीमीटर त केते हेला 40 सेंटीमीटर बुझियला तो दुईटा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना केनता लागला लाइक करबो जदि भल लागिथा बोले आउ चैनल के जदि नया देखो सब्सक्राइब करबो आउ शेयर करबो ओके थैंक यू फ्रॉम जितू फिजिक्स।